तू हमारे एरिया में भटका कैसे? तुम ही लोगो जो हमारी बातें इंडियन आर्मी तक के पहुंचाते हो। बेटा आज राजा तो मैं ही बनूंगा। हाँ चल चल, देखते कौन बनता है राजा और कौन बनता है राजा। चल खेल। अबे तू खेल, तू खेल। अबे तू खेल, नहीं तो मैं जा रहा। फिर खेल रहा कि नहीं यार? ऐसा नहीं चल, चल साइड हो, चल। हाँ खेल। क्यों रे, निकल गई होशियारी? देख अब राजा कैसा बनता है। हाँ चल, देखो अगर साले जीत गया मैं और का चेंगाड़ बन गया राजा। ऐसे कोई नहीं बन जाता। चल 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 चल, खेल मेरे साथ। अबे नहीं खेलना है, हम बन गए राजा। चल चल। अरे शुक्ला जी कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, घर जा रहा हूँ। ये लो, सबसे पहले तो आप पहले मुंह मीठा करो। अरे शर्मा जी, मिठाई किस खुशी में? अरे शुक्ला जी, मेरे बेटे को आज SBI बैंक में मैनेजर की नौकरी लगी है। अच्छा, और पता है मेरे बेटे को 40,000 रुपए तनख्वाह है महीने की। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात तो है शुक्ला जी, पर मगर मेरा लड़का आज नौकरी पे लग गया। तुम्हारा लड़का देखो उछल कूद कर रहा, मस्ती करता है, तो समझा उसको थोड़ा सा। चलो शुक्ला जी आता हूँ, तिहारी जी को मिठाई देके आनी है। रोटी है क्या? हाँ रुको, लाती। खड़ा दे दो, भूख मरा कहीं का। क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेचारा बच्चा रोटी तो मांग रहा है। क्या हो गया? शर्मा जी की लड़की को जाके देख, आज उसकी नौकरी लग गई SBI बैंक में, वो भी सरकारी। तू देख 21 साल का हो गया है, घर पे बैठ के रोटी तोड़ रहा है। कमा के थक गया हूँ मैं। जब देखो तब आप मेरी शर्मा जी के लड़की के साथ कंपेयर करते रहते हो। अब 5 उंगली हमेशा एक समान नहीं होती। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब एक समान नहीं होते, सब अलग अलग होते। भगवान ने इतने सारे लोग बनाए मगर सब अलग अलग है। अच्छा तो अपने बापू सिखाएगा? दिन भर तुझे भागते दौड़ते रहता है, कुछ नहीं होने वाला है। अरे मैं कम से कम प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ ना पापा, दूसरे लड़कों के समान तो नहीं। पानठेले में खड़े होकर सिगरेट फूक रहा हूँ, डिस्को जा रहा हूँ, लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ, अय्याशी कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, अपना 100% तो दे रहा हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे सक्सेस नहीं मिल रही? तो मैं अपना 100% तो दे रहा हूँ ना। मुझे नहीं खाना खाना होना, आप ही लोग खाओ। अरे बेटा खाना तो खा ले। ले बेटा थोड़ा सा खा ले, ऐसे खाने को ठुकराते नहीं। नहीं मां मुझे नहीं खाना। मुझे पता है तू एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। चल जो भी हो उसे भूल जाओ और नए जीत की तैयारी करो। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। उठो लड़ो और जीतो, ऐसे हार नहीं मानते, समझ गए? जी मां, मैं बिल्कुल अब लड़ूंगा और पूरा जी जान लगा दूंगा। मैं एक दिन बड़ा ऑफिसर बनूंगा। चल अब खाना खा ले। इसकी परवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। मम्मी मैं भर्ती मारने जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, आराम से जाना। अरे नवीन कैसे रहा भर्ती तुम्हारा? अरे इसको क्या हो गया, गया तो बहुत खुशी से था। अरे नवीन किधर जा रहे हो? नवीन कहाँ गया? आज तो उसकी भर्ती थी ना।
पता नहीं बेटा कहाँ गया, तो बहुत दुखी था, अभी अभी बाहर गया। अच्छा ठीक है आंटी, आता हूँ। हाँ यार, ये कहाँ गया यार? नवीन क्या कर रहा है तू, रुक जा। उधर नीचे छोड़ दे मुझे, मर जाने दे। पागल हो गया तू, यहाँ पे मरने आए, समझता नहीं है देखो। हाँ पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं साले, दिन रात दौड़ दौड़ के थक गया हूँ मैं दिन रात दौड़ दौड़ के। ये साले रेस खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा अपने आप को मार दो, हो गई रेस खत्म। अभी तूने सोचा है तेरे मरने से क्या होगा? तेरे घर पे तेरे माँ बाप तेरा वेट कर रहे हैं, समझा? तेरा मरा मुंह देख के तेरी माँ का क्या रिएक्शन होगा, तूने कभी सोचा है क्या? तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा आर्मी में अपनी फौजी की नौकरी लेके आएगा। हाँ तूने सोचा है क्या ये कभी? पापा वहाँ घर पे वेट कर रहे हैं कब मेरा बेटा फौजी बन के आएगा और वो टोपी मेरे सर पे पहनाएगा। हाँ ये सब करने से ये सब तेरा सपना पूरा हो जाएगा, कैसे बनेगा तू आर्मी मैन? गलत कदम उठाने आ रहा है तू। चल हाँ बैठ के बात करते हैं। आज भर्ती थी मेरी, फिर से फेल हो गया, ऐसा मुंह दिखाऊंगा अपने माँ बाप को। सुन नवीन, अगले 6 महीने में और एक भर्ती है, उसे तू मार। ये फालतू के विचार छोड़ दे, ये सब बेटा बेकार है, समझा? ये सब से तेरा कुछ नहीं होने वाला, वो भर्ती मार, उस पे सक्सेस हो, ठीक है? और ये सब होने के बाद अपने माँ बाप का और अपने देश का, अपने वतन का नाम रोशन कर। ये सब करेगा तो तेरा ना वतन आएगा ना कुछ आएगा, एक जाहिल की मौत मर जाएगा तू, और कुछ नहीं होने वाला। लोग आज रोएंगे कल भूल जाएंगे तू कौन था, पर तू अगर वतन के लिए शहीद होगा तो देखो लोग याद रखेंगे। चल अब चल, चल। आज मेरी दूसरी भर्ती है आर्मी की, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं अच्छा बड़ा ऑफिसर बन के आऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम जरूर एक दिन बड़े ऑफिसर बनोगे। Thank you.
ये मेरे को देख के भागा क्यों? माँ माँ पापा देखो मैं आ गया, मैं फौजी बन गया। आप बोले थे ना तू फौजी नहीं बनेगा, देखो मैं फौजी बन गया। वीन आ बेटा अंदर आना, कब आया तू? रुको रुको, आपको क्या समझता, रुक बेटा रुक। बेटा नवीन मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि तू फौजी बन गया, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। तब आपका आशीर्वाद है पापा। पहले से ही पता था कि मेरा बेटा फौजी बनेगा, आप ही हमेशा दाना मारते थे। कितना पतला हो गया तू, चल तेरे को खाना खिलाती हूं। हां वैसे बहुत भूख भी लगी मम्मी, चल खा दो पापा। मैं मेरे बेटे को हमेशा गलत समझता था, लेकिन मैं ही गलत था। उसने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। शाबाश बेटा, शाबाश। हेलो, हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हारे सिटी में एक आतंकवादी घूम रहा है, मैं तुमको उसकी डिटेल भेजता हूँ, तुम उसको ढूंढ के उसका इनकाउंटर करो। यस सर, जय हिंद। इस लड़के को तो मैंने कहीं देखा हो, कहाँ देखा हो? याद आया, इसमें पहले से ही मुझे शक था, अभी देखता हूँ इसे। सारा लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है। गाड़ी भी इधर ही खड़ी है, लगता है यही घर होगा। अपने साथी को फोन लगा जल्दी और पूछ कहाँ है वो। हेलो हेलो भाई जान, आप बोलो ना भाई। हाँ कहाँ हो आप? पुराने वाला अड्डे पे अपने शांतिनगर के। अच्छा वहाँ भाई जान आप? ठीक है भाई जान, मैं पहुँचता हूँ। ठीक है आ जाओ ना। हाँ भाई जान। बैठ उधर ही बैठ, बिल्कुल हिलना नहीं, उधर ही बैठ।
सबसे पहले तुम्हें को ये बात बता, तू मुझे स्टेशन में देख के भगा क्यों? मैं भगा तो भगा, तू इंडियन आर्मी का फौजी है, मुझे पकड़ पाया? क्यों करते हो तुम लोग ये सब? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? मुझे आतंक करने में मजा आता है। बहुत मजा आता है ना तुझे आतंक फैलाने के लिए? बहुत क्या, बहुत मजा आता है आतंक करने में। हेलो सर। हेलो कैप्टन नवीन, तुम्हारा एक मिशन है, फॉरन ड्यूटी ज्वाइन करो। यस सर, मैं तुरंत ज्वाइन होता हूँ ड्यूटी। ओके सर, जय। चलो मम्मी पापा निकालता हूँ मैं, हाँ बाय। बेटा अपना ध्यान रखना, समय पर खाना पियो और कॉल करते रहना। हमारे एरिया में भटका कैसे? तुम ही लोग हो जो हमारी बातें इंडियन आर्मी तक के पहुंचाते हो। एरिया में पहुंच चुके जहां पर आतंकवादी है, तो अब हमें ये नहीं पता कि वहां पर कितने आतंकवादी है। हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो हमें प्लान बी यूज करना है। ओके सर। ओके सालो, ये जंगल का तुम्हारे बाप दादाओं की है क्या?
जो यहाँ पे ठेका बना के बैठे हो। जंगल तो हमारा ही है, लगता है तुझे मरने की वो जल्दी है। तू यहाँ आया है मरने के लिए, आ जाओ फिर देखते हैं कौन किसको मारता है। तो सैल्यूट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ये देखिए हमारे ग्रुप ने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करना।